सीधी में हुई अमानवीय घटना पर शिवराज काफ़ी संवेदनशील दिखे। यह बात हम सब जानते हैं कि उस अपराध को करने वाला शख्स भाजपा का नेता था और उसका क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव भी था, जिसके चलते वहां के विधायक जी ने उसे अपना प्रतिनिधि बनाया था। इस सब के बावजूद शिवराज ने वीडियो के उनके संज्ञान में आते ही सीधी पुलिस को कड़ा एक्शन लेने को कहा, साथ ही स्थानीय प्रशासन को उसके घर पर बुलडोजर चलाने को कहा। बिना देरी के और बिना यह विचार किए कि बुलडोजर चलने से एक समाज के वोट जा सकते हैं, सरकार ने बिल्कुल भी चिंता नहीं की और ऐसा एक्शन लिया कि अब कोई और भाजपा नेता ऐसी कोई भी गलती करने की हिम्मत तक नहीं करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने पीड़ित को अपने घर बुलाकर उसके पांव पखारे और अपनी पार्टी और पूरे प्रदेश की ओर से श्री रावत से माफ़ी मांगी। आइए देखते हैं वो दृश्य। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ वजीफा मिलता है, बहुत कोई परेशानी घर में कुछ भी हो तो मुझे बताओ। क्या क्या करते हैं आप? पल्लेदारी मंडी में। हाँ, कुबेरी में। कुबेरी में मंडी है तो बहुत से हार्डवेयर कहीं हार्डवेयर का काम करते, लाने ले जाओ। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफी चाहता हूँ, ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे, अपना नाश्ता कर लीजिए, चलो। कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन से इस मामले में काफी मुखर दिखी, पर कांग्रेस की गलती यह है कि सरकार ने जब इतना अच्छा एक्शन ले ही लिया है तो ऐसे में आंदोलनों, ज्ञापनों और धरना प्रदर्शन का क्या औचित्य है, यह कांग्रेस नहीं समझ रही है। कमलनाथ को हम सुनते हैं कि इस बारे में उन्होंने क्या कहा। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते।